स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस आईटीआई टेक्निकल क्लासेज में। आज हमारी 10वीं क्लास है जिसमें इलेक्ट्रीशियन आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराए जाएंगे। सारे प्रश्न मिनी पीडीएफ से लिए गए हैं। आज हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न और इस सीरीज का 161 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। एसी तीन फेज मोटर के रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सुपर इनेबल कॉपर वायर, पीवीसी कवर तांबे बाइंडिंग तार, या सिंगल कपास कवर कॉपर वायर, या डबल कपास कवर तांबे का तार। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सुपर इनेबल कॉपर वायर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 162 नंबर। बाइंडिंग प्रक्रिया में वेवेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एम्पायर, कपास, बांस, या टेरिलिन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांस। अगला प्रश्न है 163 नंबर। आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण किया जाता है? ग्राउलर टेस्ट, पोलरिटी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, या शॉर्ट सर्किट टेस्ट। बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पोलरिटी टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी, पोलरिटी टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है पोलरिटी टेस्ट। प्रश्न संख्या 164 नंबर देखते हैं। रोटर चालकों को तीन कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? क्या कारण है? ऑप्शन है अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न करें, या स्ट्रे हानि कम करें, या रोटर गति को स्थिर बनाए रखें, या अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण का उत्पादन करने के लिए। क्या होगा सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण का उत्पादन करने के लिए। अगर तिरछा नहीं करेंगे तो स्टेटर पोल और रोटर पोल के बीच मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा और इंटरलॉकिंग की संभावना होने लगेगी। जब इंटरलॉकिंग होगा तो रोटर आपका नहीं चलेगा, ये भी कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 165 नंबर। तीन कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? ऑप्शन है लौ हानियां, ताम्र हानियां, घर्षण हानियां, वायु हानियां। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। नो लोड टेस्ट लौ हानियां ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉसेज ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लौ हानियां। चलिए 165 नंबर देखते हैं, सॉरी 166 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीन कला मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि में केवल दो चर गति प्राप्त होता है? ऑप्शन है रोटर रियोस्टेट नियंत्रण, आरोपित आवृत्ति बदल कर, या बाय चेंजिंग द अप्लाई वोल्टेज। और अगला ऑप्शन है स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। बताइए सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 166 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर मोटर की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको टू वेरिएबल स्पीड प्राप्त होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं 167 नंबर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? ऑप्शन है स्लिप कम करना या गति को नियंत्रित करने के लिए, या हानि को कम करने के लिए, या उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलों मापने के लिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्रश्न है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? तो फिट करने का मेन उद्देश्य ये होता है कि स्टार्टिंग टार्क और रनिंग बल को पाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। और वाउंड रोटर में बाहर से हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिससे रेजिस्टेंस लगाने से स्टार्टिंग बल हाई हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टार्क। प्रश्न संख्या 161 नंबर देखते हैं, सॉरी प्रश्न संख्या 168 नंबर देखते हैं। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? ऑप्शन है ओवरलोड पर ट्रिप करना, या पूर्ण निर्धारित समय पर चालू करना, या स्टार से डेल्टा में बदलें, या पूर्ण निर्धारित समय पर स्विच ऑफ करें। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार से डेल्टा में बदलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 169 नंबर। तीन कला पेडल मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मेगर, मल्टीमीटर, स्टंट टाइप ओम मीटर, या श्रेणी प्रकार का ओम मीटर। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए, मेगर। मेगर के द्वारा हम इंसुलेशन प्रतिरोध को मापते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 170 नंबर देखते हैं। वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? तो ऑप्शन है ध्रुवता टेस्ट, ग्राउंड टेस्ट, निरंतरता टेस्ट, या शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पोलारिटी टेस्ट। पोलारिटी टेस्ट ही किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 171 नंबर। एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या होता है? ऑप्शन है पूर्ण भार धारा का 1 से 2 गुना, पूर्ण भार धारा का 2 से 3 गुना, या पूर्ण भार धारा का 4 से 5 गुना, या पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो प्रारंभिक करंट होता है वो 5 से 7 गुना होता है, यानी इसमें ऑप्शन में दिया है 5 से 6 गुना, यानी यही सही होगा। 5 से 7 गुना इंडक्शन मोटर प्रारंभिक में करंट लेती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 172 नंबर देखते हैं। स्टेटर साइड से थ्री कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कैस्केड ऑपरेशन द्वारा, या रोटर रियोस्टेट नियंत्रण द्वारा, या रोटर सर्किट में ईएमएफ इंजेक्ट करके, या आरोपित आवृत्ति बदलकर। तो आवृत्ति तो आप बदल नहीं सकते हैं। रोटर रियोस्टेट का मतलब रोटर में रेजिस्टेंस लगाना है, और ये स्टेटर साइड की बात कर रहा है, तो रोटर साइड की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये तो दोनों गलत है। अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आवृत्ति बदलकर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, कैस्केड ऑपरेशन द्वारा भी हम कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 173 नंबर देखते हैं। तीन कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है बताइए? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दिया है, ये आपका फिगर दिया गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, कैस्केड संचालन विधि, रियोस्टेट नियंत्रण विधि, आरोपित वोल्टेज बदलना विधि, या रोटर सर्किट विधि का ईएमएफ इंजेक्शन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए ये जो विधि है इसको कैस्केड नियंत्रण विधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। चित्र से पता चल रहा है ये है कैस्केड ऑपरेशन मेथड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 174 नंबर। तीन कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट क्या है? पहला है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट, या शॉर्ट सर्किट एंड क्लोज सर्किट, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट बताइए। तो मोटर में दो कार्यात्मक जो सर्किट होती है वो कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट।
तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 175 नंबर। लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण क्या है? ऑप्शन है गैर मॉइस्चर मटेरियल सामग्री, या अत्यधिक नॉन हाइग्रोस्कोपिक, या श्रेणी एफ इंसुलेशन के लिए बहुत अच्छा, या बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेटर एगेनिंग और डायलेक्टिक स्ट्रेंथ। तो लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण होता है कि उसका परावैद्युत शक्ति बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 176 नंबर देख लेते हैं। कुंडल और ओवरहैंगिंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेशन सामग्री का उपयोग किया जाता है? सूती स्लीव, एम्पायर स्लीव, या टेरलिन धागा, या फाइबर ग्लास टेप। बताइए बाइंडिंग को बांधने के लिए हम कौन से इंसुलेशन मटेरियल का उपयोग करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेरिलिन धागा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 177। एसी बाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फाइबर ग्लास टेप, चमड़े का कागज, या एम्पायर फाइबर ग्लास टेप, या कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपड़े पर चिपकने वाला टेप बाइंडिंग में कफिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, एसी बाइंडिंग में कफिंग के लिए कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 178 नंबर देख लेते हैं। एसी बाइंडिंग में क्वाइल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या, समानांतर में जुड़े घुमावों की संख्या, दो समान ध्रुवों के अंतर्गत घुमावों की संख्या, या दो असमान ध्रुवों के अंतर्गत घुमावों की संख्या। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। किस प्रकार के एसी बाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली पर पोल पर कला की संख्या एक से अधिक होती है? ऑप्शन है अचूक कुंडलन बाइंडिंग, या हीरा कुंडलन बाइंडिंग, या लैप बाइंडिंग पर फ्लैट लूप नॉन ओवर लैप बाइंडिंग। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लैट लूप नॉन ओवर लैप बाइंडिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 180 नंबर। 36 लाट, 36 क्वाइल और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत वितरित बाइंडिंग के लिए क्वाइल की संख्या प्रति कला प्रति पोल की गणना करें। बताइए क्या होगा? ये पूछ रहा है क्वाइलों की संख्या। इससे पहले भी एक प्रश्न आ चुका था, तो क्वाइल की संख्या होता है स्लॉट बटा में पोल गुड़े फेज की संख्या। तो स्लॉट यहाँ पे 36 है, तो 36 बटा में पोल आपका दिया है 4 पोल दिया है, फेज है 3, तो 12 3 चौका 12 हो जाएगा, और 12 से गुणा भाग करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, यानी कॉयलों की संख्या 3 हो जाएगी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 कॉयल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न था। ये क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।